हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनो यूट्यूबर में। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले इंडिया और साथ में ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 का ये पहला मुकाबला यानी T20 का ये फर्स्ट मुकाबला खेला जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि T20 के पहले ही मुकाबले में कौन कौन सा प्लेयर्स इंपोर्टेंट पिक होने वाला, कौन कौन सा प्लेयर्स को अपने टीम में लेकर के चलना है, कौन कौन सा प्लेयर्स को अपने टीम से ड्रॉप करना है, सारा कुछ आपको बताने वाला हूं। तो भाई देखो, वर्ल्ड कप की तरह चाहते हो इस मैच में भी आप पैसा बनाना, पैसा को जीतना, विनिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को क्या कर लेना, पूरा देख लेना। यदि भाई वीडियो को पूरा देख ले तो वीडियो को देखने के बाद यदि आप टीम बनाओगे, टीम आप क्रिएट करोगे तो मेगा ग्रैंड लीग में भाई आपको टॉप 5 रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप भी सोच रहे हो ना कि भाई वर्ल्ड कप की तरह इस मैच में भी विन करना, तो वीडियो को क्या कर लेना कि पूरा देख लेना। मेरे भाई वीडियो को पूरा देख लेते हो ना तो आपको टॉप 5 रैंक आने से, मैं आपको पहले ही बोल दिया हूं, कोई नहीं रोक सकता है। तो सभी भाई सोच रहे हो टॉप 5 रैंक लाना मेगा ग्रैंडलिंग में, तो सभी भाई क्या करेंगे कि भाई वीडियो को पूरा ही देख करके जाएंगे, क्योंकि ये जैकपॉट मुकाबला है। और भाई जैकपॉट का मुकाबला जब भी होता है तो आपका भाई का जो प्रिडिक्शन होता है ना, वह 90-95% प्रिडिक्शन सही प्रिडिक्शन होता है। तो आप भी सोच रहे हो मेगा ग्रैंड लीग को जीतना, मेगा ग्रैंड लीग को विन करना, तो वीडियो को क्या कर लेना, पूरा देख लेना। वीडियो में आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैप्टन किससे बनाना, वाइस कैप्टन का सिलेक्शन किससे करना, सारा कुछ आपको बताने वाला हूं। उससे पहले जो भाई वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्या कर देना कि मेरे भाई वीडियो को जल्दी से नीचे में जो आपको एक लाइक का बटन दिखाई देता होगा तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल पर पहली बार आए हो ना तो मेरे भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाएगा। तो गाइस देखो, ये जो मुकाबला खेला जाएगा, ये मुकाबला खेला जाएगा BDCA क्रिकेट स्टेडियम विशाखापट्टनम में, ये मुकाबला को खेला जाएगा। 23 नवंबर को मुकाबला होगा और शाम 7 बजे से ये मुकाबला आपको लाइव देखने को मिलेगा। साथ में अभी तक के आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हो तो भाई सबसे पहले क्या कर लेना कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होने से ये होता है ना कि आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के देख सकते हो कि भाई आपका भाई कितना डेली विनिंग करता, और साथ में देखो डेली में कितना विनिंग करता हूं ये तो आपको पता लग ही जाएगा। साथ में जिस टीम से मैं खेलता हूं, जिस टीम से मैं विन करता हूं, सेम वही टीम कहां पर देखने को मिलता, टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलता है। तो आप भी चाहते हो मेरे साथ साथ भाई जीतना, साथ साथ आप भी चाहते हो विन करना, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सिंपल तरीका, इसका लिंक दो जगह पे मिल जाएगा। ये जो वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के नीचे में एक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, सिंपली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करोगे तो ऊपर में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नहीं तो क्या करना, कमेंट बॉक्स में जाना, कमेंट बॉक्स में जाओगे तो भाई टॉप पर पिन कर जाओ, जहां से आप बड़े आसानी तरीके से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब आ जाते हैं ज्वाइन कैसे कर सकते हो। इस वीडियो, ये जो वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के नीचे मोर का आइकन मिलेगा, मोर के आइकन पर क्लिक करोगे तो ऊपर में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आप क्लिक करोगे और फटाफट से इस लिंक पर क्लिक करोगे, डायरेक्टली क्या करोगे कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओगे, नहीं तो कमेंट बॉक्स में जाना, टॉप पर पिन कर दिया, लिंक पर क्लिक करोगे डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओगे। टेलीग्राम चैनल पर आने के बाद फाइनल पीस रिपोर्ट, सबसे बड़ी बात तो ये है कि टॉस होने के बाद पीस रिपोर्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलता है। फाइनल प्लेइंग 11 टीम यानी मैच से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है टाइम टू टाइम टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलता है। फाइनल टीम भी टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलता है। बात करें यदि बैनू पर, तो देखो यहां पर से बैनू के अकॉर्डिंग ऐसा है, तो बैनू पर टोटल ओडीआई, सॉरी यहां पर से T20 का जो मुकाबला खेला गया, 3 मुकाबला खेला गया, जिसमें बैटिंग फर्स्ट डाउन करने वाले टीम ने 2 मुकाबला को विन किया, बैटिंग सेकेंड डाउन करने वाले टीम ने 1 मुकाबला को विन किया है। यदि स्कोरिंग पैटर्न्स की बात करें तो 150 रन बैनू पर 2 बार बना, 150 और साथ में यहां पर से 169 के बीच में बैनू पर कितना, तो 0 बार बना, 170 और 190 के बीच में बैनू पर जो स्कोरिंग रहा 1 बार रहा। अब बात करें यहां पर से एवरेज स्कोर का, तो एवरेज स्कोर जो रहने वाला है 158 प्लस का एवरेज स्कोर है। हाईएस्ट स्कोर इस बैनू पर टीम इंडिया ने बनाया 179 का। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो श्रीलंका टीम ने 82 का बनाया। पिच जो होने वाला बैलेंसर के साथ साथ इस पिच पर पेसर्स बॉलर्स के लिए एडवांटेज रहा था,
पेसर्स बॉलर्स आपको इस वेन्यू पर विकेट निकालते हुए दिख जाएंगे। अब देखो रिसेंट मैच जो इस वेन्यू पर खेला गया ना, इससे आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि पेसर्स बॉलर्स को कितना विकेट मिलता है, स्पिनर्स बॉलर्स को कितना विकेट मिलता है इस वेन्यू पर, साथ में यहाँ पर से क्या स्कोरिंग आपको देखने को मिल सकता है। ये जो मुकाबला खेला गया इंडिया और साथ में साउथ अफ्रीका के बीच 14 जून 2023 को खेला गया था, जिसमें इंडिया टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पे 179 रन बनाया। वही चेस करते हुए साउथ अफ्रीका टीम ने ओनली 131 रन बनाया, पूरा 10 विकेट गिरा था। फर्स्ट इनिंग में देख लो पेसर्स बॉलर्स को 3 विकेट, स्पिनर्स बॉलर्स को 2 विकेट मिला। यदि सेकंड इनिंग की बात करें तो सेकंड इनिंग में पेसर्स बॉलर्स को 5 विकेट, स्पिनर्स बॉलर्स को 4 विकेट मिला। फिर यहां पर से आ जाता है जो रिसेंट मुकाबला खेला गया 24 फरवरी 2019 को इंडिया और साथ में ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें इंडिया टीम ने पूरे 20 ओवर में 7 विकेट पर 126 रन बनाया। वही यहां पर से चेस करते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम ने 127 रन बना के यह मैच को विन किया था। फर्स्ट इनिंग में पेसर्स बॉलर्स को 5 विकेट, स्पिनर्स बॉलर्स को 1 विकेट मिला। यदि सेकंड इनिंग की बात करें तो पेसर्स बॉलर्स को 3 विकेट, स्पिनर्स बॉलर्स को 2 विकेट मिला। 14 फरवरी 2016 को मुकाबला खेला गया श्रीलंका और साथ में इंडिया के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें श्रीलंका टीम ने 18 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 82 रन बनाया। वही चेस करते हुए टीम इंडिया ने 84 रन बना करके यह मैच को विन किया था। फर्स्ट इनिंग में पेसर्स बॉलर्स को 2 विकेट, स्पिनर्स बॉलर्स को 7 विकेट मिला। यदि सेकंड इनिंग की बात करें तो सेकंड इनिंग में पेसर्स बॉलर्स को 1 विकेट, स्पिनर्स बॉलर्स को 0 विकेट मिला। लास्ट 3 मैच में आ जाते 3 मैच में तो इस वेन्यू पर 19 विकेट जो मिला वह पेसर्स बॉलर्स को मिला, 16 विकेट जो मिला स्पिनर्स बॉलर्स को मिला। यदि विकेट की बात करें स्पिनर्स और साथ में पेसर्स बॉलर्स के बीच में, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर से 55% जो विकेट मिला इस वेन्यू पर ना पेसर्स बॉलर्स को मिला, 45% जो विकेट मिला वो स्पिनर्स बॉलर्स को विकेट मिला। दोनों के लिए देखा जाए तो एडवांटेज रहता, दोनों ही बॉलर्स इस वेन्यू पर आपको विकेट निकालते हुए दिख जाएगा। अब हेड टू हेड में बात करें तो दोनों टीम के जो 20 मुकाबला खेला गया, 26 मुकाबला खेला गया, जिसमें 10 मुकाबला को ऑस्ट्रेलिया टीम ने विन किया, वही 15 मुकाबला को जो इंडिया ने विन किया। इंडिया टीम के अकॉर्डिंग आ जाते हैं पिछले 5 टी20 मैच में, तो पिछले 5 टी20 मैच में 4 मैच कंटिन्यू विन किया, 1 मैच लॉस्ट करते हुए आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अकॉर्डिंग आ जाओ तो ऑस्ट्रेलिया टीम पिछले 5 टी20 मुकाबला में 5 के 5 मुकाबला विन करते हुए आ रहा है। अब बात करेंगे टीम इंडिया की तरफ से प्लेइंग 11 टीम का, तो प्लेइंग 11 टीम में देख लो यहां पर से यशस्वी जैसा, ऋतुराज गायकवाड़, ये दोनों खिलाड़ी आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएगा। फिर सूर्य कुमार यादव आ जाते हैं, उसके बाद तिलक वर्मा, ईशान किशन, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अवेश खान, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रवि बिश्नोई, जो कि कुछ इस प्रकार से ये टीम इंडिया की तरफ से ये पॉसिबल प्लेइंग 11 टीम रहेगा। अब देखो इसमें जो भी चेंज होगा ना, जो भी चेंजेस होगा, टॉस होने के बाद फाइनल प्लेइंग 11 टीम कहां पर देखने को मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे कि ये जो पॉसिबल प्लेइंग 11 टीम है, ये जो टीम इंडिया की तरफ से खिलाड़ी है, इस खिलाड़ी में से कौन कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट होगा जो हर हमेशा ऑस्ट्रेलिया के सामने कुछ ना कुछ खास बेहतरीन से दिख जाएगा। एक एक प्लेयर्स के बारे में जान लेते हैं कौन कौन सा खिलाड़ी को अपने टीम में लेकर के चलना। सबसे पहले बात करेंगे यशस्वी जायसवाल का। यदि यशस्वी जायसवाल के अकॉर्डिंग आ जाए तो टी20 में 8 मुकाबला खेले करके 38 के एवरेज से रन बना रहे। यदि एवरेज की बात करे हुए तो भाई ये जो बल्लेबाज है टी20 फॉर्मेट में काफी अच्छा खासा एवरेज से रन बनाते हुए दिख जाते हैं। जब भी ये बैटिंग करते तो टी20 में आपको रन बनाते हुए दिख जाएंगे। तो इस मैच की बात करें तो इस मैच में कम से कम इनके बल्ले से 40+ रन स्कोरिंग करते हुए दिख जाएंगे, ऊपर जितना रन बना सकते हैं, क्योंकि हेट वेट में भी देखते हैं तो अभी तक के एक भी मुकाबला नहीं, बैनू पर भी एक भी मुकाबला नहीं। रिसेंट फॉर्म की बात करोगे तो 100 फिर यहां पर से 24-18 रन काफी अच्छा खासा स्कोरिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो उम्मीद रहेगा कि इस मैच में आपको स्कोरिंग करते हुए दिख जाएंगे। कैप्टन चाहते हो पिक करना या वाइस कैप्टन बनाना चाहते हो तो अपनी टीम के लिए कैप्टन या वाइस कैप्टन भी पिक करके जा सकते हो। ऋतुराज गायकवाड की बात करें तो टी20 में 14 मुकाबला खेले करके 27 एवरेज से रन बना रहे। वही हेड टू हेड में देखते एक भी मुकाबला नहीं, बैन पर एक मुकाबला खेले करके 57 रन बनाए। रिसेंट फॉर्म में 40-25 फिर यहां पर से देखते तो 5 रन स्कोरिंग करते हुए दिख रहे। एवरेज काफी अच्छा खासा ठीक ठाक एवरेज से रन बना रहे। ऋतुराज गायकवाड़ के पास काफी अनुभव भी है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल के अकॉर्डिंग आ जाओ तो इनके पास अनुभव भी है। तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि ये दोनों खिलाड़ी में से चाहे तो दोनों को पिक करना तो दोनों को पिक करके जा सकते हो, लेकिन दोनों में से किसी एक को पिक करके जा सकते हो। वैसे इस मैच में काफी ज्यादा चांस
चांसेस है कि यशस्वी जायसवाल के बल्ले से ही रन देखने को मिलेगा। अब जानते हैं यहाँ पर से सूर्य कुमार यादव के बारे में। सूर्य कुमार यादव के अकॉर्डिंग आ जाओ तो एट ओवर में सबसे पहले देखते तीन मैच खेल के 38 के एवरेज से रन बना रहे। यदि एवरेज की बात करोगे तो 38 के एवरेज से रन बना रहे, काफी अच्छा खासा एवरेज से रन बना रहे। रिसेंट फॉर्म में भी आ जाओ तो रिसेंट फॉर्म में 61-83 रन देखने को मिला, रिसेंट फॉर्म भी काफी अच्छा खासा। तो इस मैच में यदि इनका बल्ला बोलता तो भाई काफी हाई स्कोरिंग करते हुए दिखेंगे, नहीं तो समझ लो कि ज्यादा कुछ नहीं 20-25 रन बनाएंगे और अपना विकेट फेंक करके चले जाएंगे। ये जो बल्लेबाज है यदि 30 से ऊपर स्कोरिंग कर जाते हैं तो आप उम्मीद रखना 50-60-70 ऐसे रन बनाते हुए दिख जाएंगे। तो कैप्टन या वाइस कैप्टन भी चाहते हो ट्राई करना तो ट्राई कर जा सकते हो, बट जिस से देखा जाए पिछले वर्ल्ड कप मैच में जो इनका मैच गया भाई बहुत ही गंदा मैच खेले करके आया है। फिर बात करें तिलक वर्मा का, T20 में 10 मुकाबला खेले करके 38 के एवरेज से रन बना रहे, एट ओवर में एक भी मुकाबला नहीं, बैन पर एक भी मुकाबला नहीं, रिसेंट फॉर्म में 55-2-1 फिर यहाँ पर से 0-27 रन और साथ में यहाँ पर से एक विकेट निकाले। रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग आ जाओ तो रिसेंट फॉर्म कुछ खास है भी नहीं, वैसे ऑस्ट्रेलिया के सामने हो सकता जब चलेगा तो चलेगा, नहीं तो उतना कुछ चांसेस मत रखना। फिर यहाँ पर से बात करेंगे ईशान किशन के बारे में, ईशान किशन काफी अच्छा खासा रहेगा, टीम में ले करके चलना है, 24 के एवरेज से रन बना रहे, बैन पर भी स्कोरिंग कर किए हैं, बैन पर एक मैच खेले के 54 रन बनाए, रिसेंट फॉर्म में 27-1 फिर यहाँ पर 19 रन बनाए, उसके बाद देखते तो 4 रन बनाते हुए दिख रहे। रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग आ जाओ तो कहीं ना कहीं इनका रिसेंट फॉर्म T20 में ठीक ठाक, रिसेंट फॉर्म में 40-45 रन बनाते हुए दिख जाएंगे। रिंकू सिंह की बात करेंगे, भाई रिंकू सिंह के अकॉर्डिंग आ जाओ तो T20 में कम बॉल खेल करके देखा जाए तो रिंकू सिंह हर हमेशा ज्यादा रन बनाने की क्षमता रखते हैं। यदि ये जो बल्लेबाज है ये बल्लेबाज कम से कम 20 बॉल खेल जाते हैं तो मैं आपको बता दूं 40-45 रन बड़े आसानी तरीके से बनाते हुए दिख जाएंगे। तो टीम में मेगा ग्रैंडली के लिए सबसे ये खिलाड़ी खास खिलाड़ी रहेगा, टीम में लेकर के चलना है। रिसेंट फॉर्म में 37-38 रन देखने को मिला, इधर बैटिंग नहीं किए, दो मैच में बैटिंग करते हुए नहीं नजर आ रहे, एट ओवर में एक भी मुकाबला नहीं, साथ में बैनू के अकॉर्डिंग आ जाए तो बैनू पर भी एक भी मुकाबला नहीं। बात करें यहाँ पर से अक्षर पटेल के बारे में, अक्षर पटेल के अकॉर्डिंग आ जाए तो 8 ओवर में 3 मुकाबला खेल करके 8 विकेट निकाले। अब देखो इनके पास अनुभव है ऑस्ट्रेलिया के सामने, ये 3 मुकाबला खेल करके 8 विकेट निकाल चुके हैं। यदि देखा जाए यहाँ पर से बैनू पर, तो बैनू पर एक मैच के लिए 5 रन बनाए, एक विकेट निकाले, रिसेंट फॉर्म में 13 रन फिर यहाँ पर से 0 विकेट, एक विकेट, एक विकेट, 14 रन, 13 रन फिर 0 विकेट निकाले। रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग आते हैं तो रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं, लेकिन आप अपनी टीम में लेकर के चलना, बैटिंग का मौका मिलता है तो बैटिंग से भी स्कोरिंग करते हुए दिख जाएंगे, 15-20 रन बनाते हुए दिख जाएंगे। एडवांटेज ये रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया के सामने ये विकेट निकालते तो 1-2 विकेट की भी उम्मीद रहेगा। आवेश खान के अकॉर्डिंग आ जाए तो कॉन्फर्म है आवेश खान को टीम में पिक करके चलना ही है। ये T20 में बात करें 16 मैच खेले करके 16 विकेट है, बैन पर एक मैच खेले करके 0 विकेट निकाले। इकोनॉमी की बात करें तो 8 का इकोनॉमी रहा, रिसेंट फॉर्म में 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो काफी अच्छा खासा रिसेंट फॉर्म में, कम से कम कॉन्फर्म में 2 विकेट तो ये लेते हुए देखे जाएंगे, तो टीम में लेकर के चलना। अब आ जाते हैं अर्शदीप सिंह के अकॉर्डिंग, अर्शदीप सिंह के अकॉर्डिंग आ जाए तो 8 ओवर में एक भी मुकाबला नहीं, बैन पर एक भी मुकाबला नहीं, रिसेंट फॉर्म में 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट फिर यहाँ पर से 1 विकेट निकाले, एक विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। तो देखो आप चाहते हो अर्शदीप सिंह को टीम में ले करके चलना, देखो अर्शदीप सिंह काफी अच्छा खासा, तो भाई टीम से तो ड्रॉप करना बनता ही नहीं, टीम में पिक करके जा सकते हो। वैसे आप अर्शदीप सिंह और साथ में प्रसिद्ध कृष्णा है, और यहाँ पर से देखा जाए तो आवेश खान, ये तीनों बॉलर्स में 2 बॉलर्स को टीम इंडिया की तरफ से कन्फर्म में लेकर के चलना, जब भी टीम क्रिएट करना तो इनके बारे में आ जाए। प्रसिद्ध कृष्णा 2 मैच खेले करके 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। फिर बात करें यहाँ पर से रवि बिश्नोई के बारे में, रवि बिश्नोई के अकॉर्डिंग आ जाओ काफी अच्छा खासा, ये तो भाई हर हमेशा विकेट निकालते हैं। यदि इनका रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो काफी जबरदस्त का रिसेंट फॉर्म रहा, 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट फिर यहाँ पर से 2 विकेट, कंटिन्यू विकेट निकालते हुए दिख रहे। हेट वुड में एक भी मुकाबला नहीं, बैन पर भी एक भी मुकाबला नहीं खेले, कम से कम तो देखो 2 विकेट तो बड़े आसानी तरीके से निकालते हुए देखे जाएंगे। बेंच प्लेयर में बात करें टीम इंडिया की तरफ से जितेश शर्मा, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर फिर यहाँ पर से मुकेश कुमार, ये बेंच प्लेयर्स रहेगा। अब देखो ये जो खिलाड़ी नहीं खेलेगा, यदि इसमें से कोई एक खिलाड़ी खेलते हुए दिख जाते हैं तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर फाइनल प्लेइंग 11 टीम जो टॉस होने के बाद होगा टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं प्लेयर्स बैटल का, तो देखो सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट भी मारना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी मार करके रख सकते हो, क्योंकि प्लेयर्स बैटल काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहता है। वैसे मैं एक एक प्लेयर्स के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले बात करें यशस्वी जायसवाल का, तो नाथन इल्स के सामने
सात बॉल खेले करके 10 रन बनाए, एक बार विकेट फेंके। मार्कस एस्टोनिस के सामने 14 बॉल खेले करके 18 रन बनाए, दो बार विकेट फेंके। तो देखो मार्कस एस्टोनिस के सामने यशस्वी जायसवाल विकेट फेंकते हुए दिख रहे हैं। फिर ग्लेन मैक्सवेल के सामने 15 बॉल खेले करके 27 रन बनाए, जीरो बार विकेट फेंके। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो नाथन हिल्स के सामने 17 बॉल खेले करके 24 रन बनाए, एक बार विकेट फेंके। मार्कस एस्टोनिस के सामने 13 बॉल खेले करके 23 रन बनाए, जीरो बार विकेट फेंके। ग्लेन मैक्सवेल के सामने 10 बॉल खेले करके 16 रन बनाए, जीरो बार विकेट फेंके। एडम जंपा के सामने 22 बॉल खेले करके 45 रन बनाए, साथ में एक बार विकेट फेंके। ऋतुराज गायकवाड की बात करें तो एडम जंपा के सामने 4 बॉल खेले करके 6 रन बनाए, एक बार विकेट फेंके। तिलक वर्मा के सामने देखते हैं यहाँ पर से, तो तिलक वर्मा के अकॉर्डिंग ऐसा है तो मार्कस एस्टोनिस के सामने 6 बॉल खेले करके 5 रन बनाए, साथ में यहाँ पर से जीरो बार विकेट फेंके। अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्लेइंग 11 टीम का। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखो इस मैच में मैथ्यू शॉर्ट्स और साथ में ट्रेविस हेड, ये दोनों खिलाड़ी ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, टीम डेविड, मैथ्यू वेड आ जाते हैं। मार्कस एस्टोनिस, शेन अबॉट, नाथन हिल्स, फिर यहां पर से जेसन बेंड्रॉफ हो गए, एडम जंपा, जो कि कुछ इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये प्लेइंग 11 टीम रहेगा। अब देखो ये प्लेइंग 11 टीम में जो भी चेंजेस होगा फाइनल प्लेइंग 11 टीम टॉस होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगा। अब एक एक प्लेयर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें यहां पर से मैथ्यू शॉर्ट्स के बारे में। मैथ्यू शॉर्ट्स के अकॉर्डिंग आ जाऊं तो रिसेंट पर में 0-66, फिर यहां पर से 0 विकेट निकाले, 20 रन बनाए। T20 में देखते हैं तो T20 में 28 के एवरेज से रन बना रहे, हेड टू हेड में एक भी मुकाबला नहीं, बैन पर एक भी मुकाबला नहीं। यदि एवरेज की बात करेंगे तो देखा जाए तो कुछ खास एवरेज नहीं, लेकिन कुछ खास रिकॉर्ड भी इनके पास नहीं। रिसेंट फॉर्म की बात करोगे तो एक मैच में स्कोरिंग करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हो तो मैथ्यू शॉर्ट्स को टीम में लेकर के जा सकते हो। ट्रेविस हेड की बात करें तो T20 में 20 मैच खेले करके 28 के एवरेज से रन बना रहे, एक विकेट निकाले। हेड टू हेड में 4 मैच खेले करके 28 के एवरेज से रन बना रहे, 0 विकेट निकाले। बैनू पर बात करें तो बैनू पर एक भी मैच नहीं, रिसेंट फॉर्म में 91-18-16-26 रन, फिर यहाँ पर से 0 विकेट निकाले, 19 रन बनाते हुए दिख रहे हैं। ट्रेविस हेड के अकॉर्डिंग आज तो रिसेंट फॉर्म की बात करोगे तो ठीक ठाक रिसेंट फॉर्म में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी करना चाहते हो तो ट्रेविस हेड को कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना करके जा सकते हो। फिर बात करें स्मिथ के बारे में, स्मिथ के अकॉर्डिंग आ जाओ तो इस खिलाड़ी को तो टीम में कंफर्मिंग के लिए करके चलना, क्योंकि काफी पेशेंस के साथ T20 में बैटिंग करते हुए दिखेंगे। पेशेंस T20 में तो देखो वैसे कोई भी बल्लेबाज आता तो काफी तेजी से रन बनाते हुए दिखते हैं, लेकिन ये जो बल्लेबाज है ये क्वालिटी का बल्लेबाज है, ये भाई अपना विकेट जल्द फेंक करके नहीं जाते। रिसेंट फॉर्म में देखा जाए तो 4-7 फिर 17-9-8 रिसेंट फॉर्म की बात करोगे तो कुछ खास स्कोरिंग नहीं, लेकिन टीम इंडिया के सामने 22 के एवरेज से रन बना रहे, इसलिए बोले कि टीम में लेकर के चलना। ग्लेन मैक्सवेल के अकॉर्डिंग T20 में 98 मैच खेले करके 28 के एवरेज से रन बना रहे, साथ में यहां पर से 39 विकेट निकाले। हेड टू हेड में 19 मैच खेले करके 27 के एवरेज से रन बना रहे, 4 विकेट निकाले। बैन पर एक मैच खेले करके 56 रन बनाए, रिसेंट फॉर्म में 54-13 रन 2 विकेट, 23 रन 1 विकेट, 28 रन 8 रन 2 विकेट, कंटिन्यू विकेट निकालते हुए दिख रहे, बैटिंग से भी रन बनाते हुए दिख रहे। कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी काफी ज्यादा सेफ रहेगा कि अपने टीम के लिए ग्लेन मैक्सवेल को कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना करके जा सकते हो। बात करें यहां पर से टीम डेविड के बारे में, टीम डेविड के अकॉर्डिंग आज T20 में 28 मैच खेले करके 36 के एवरेज से रन बना रहे, हेड टू हेड में 3 मैच खेले करके 24 के एवरेज से रन बना रहे। बैन पर एक भी मैच नहीं, रिसेंट फॉर्म में 1 रन, फिर यहां पर से देखते 64 रन, फिर यहां पर से 15 रन बनाते हुए दिख रहे। चाहते हो टीम में लेकर के चलना तो टीम में लेकर के जा सकते हो, क्योंकि टीम इंडिया के सामने देखते तो 24 के एवरेज से रन बना रहे। तो आप बात करें इस मैच में तो इस मैच में 30-35 रन हो सकता है तो स्कोरिंग करते हुए दिख जाएंगे, उतना कोई चांसेस नहीं रहेगा। रिस्क लेना चाहते हो तो आप अपने टीम में पिक करके जा सकते हो टीम डेविड को। मैथ्यू वेट की बात करें तो ये जो बल्लेबाज है ये बल्लेबाज टीम इंडिया के सामने रन बनाता है, 51 के एवरेज से रन बना रहा है। T20 में बात करें तो 24 के एवरेज से रन बना रहे, लेकिन क्या है कि इनको बैटिंग का मौका नीचे मिल रहा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, आप अपने टीम में पिक करके जा सकते हो। वैसे तो मैं अपने टीम में लेकर के जाऊंगा ही कन्फर्म में, क्योंकि इनको बैटिंग का मौका मिलना कन्फर्म है कि ये बैटिंग करते हुए देखिए जाएंगे। वैसे छठे नंबर पर बैटिंग करते, लेकिन थोड़ा बहुत नीचे बैटिंग का मौका मिलता, लेकिन जब बैटिंग का मौका मिलेगा तो इनके बल्ले से रन देखने को मिल जाएगा। रिसेंट फॉर्म में 6 रन 7 रन, फिर यहां पर से 2 रन बनाते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे मार्कस एस्टोनिस के बारे में। मार्कस एस्टोनिस के अकॉर्डिंग
तो T20 में 30 के एवरेज से रन बनाते हैं, 23 विकेट भी निकाले, काफी अच्छा खासा विकेट निकाले। A20 में 7 मैच खेले के 28 के एवरेज से रन बना रहे, 3 विकेट निकाले। रिसेंट फॉर्म में 37 रन, 2 विकेट, 6 रन, 3 विकेट, फिर 25 रन, 0 विकेट, 35 रन, 1 विकेट निकाले। रिसेंट फॉर्म काफी अच्छा खासा। मेगा ग्रैंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से वाइस कैप्टन चाहते हो पिक करना, थोड़ा बहुत आपके लिए रिस्क होगा लेकिन आपके लिए काफी ज्यादा सेफ भी होगा। बात करें सेन अवार्ड का, सेन अवार्ड के अकॉर्डिंग आ जाओ तो भाई देखो काफी ज्यादा सेफ होगा। बॉलिंग से बात करूंगे तो काफी ज्यादा सेफ होगा सेन अवार्ड, सेन अवार्ड को लेकर करके चलना। देखो कैप्टन या वाइस कैप्टन कन्फर्म है कि पिक कर लेना। जब भी T20 में ये बॉलिंग करते तो 3-4 विकेट इनका फिक्स रहता, कोई भी मैच हो 3-4 विकेट बड़े आसानी तरीके से निकालते हुए दिख जाते हैं। वैसे देख लो आप लोग खुद यहाँ पर से T20 में 12 मैच के लेकर 13 विकेट निकाले, A20 में 4 मैच के लेकर 1 विकेट निकाले। अब बात करते हैं यहाँ पर से रिसेंट फॉर्म में 4 विकेट, 3 विकेट, कंटिन्यू विकेट निकाले, 1 विकेट, फिर यहाँ पर से 1 विकेट निकालते हुए देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग यहाँ पर से बात करेंगे नाथन हिल्स के बारे में। नाथन हिल्स के अकॉर्डिंग ऐसा है तो T20 में 8 मैच खेले के 18 विकेट निकाले, A20 में 1 मैच खेले के 1 विकेट निकाले, रिसेंट फॉर्म में 3 विकेट कंटिन्यू विकेट निकाले, टीम में पिक करके चलना। जेसन बेंड्रॉफ की बात करें, बेंड्रॉफ के अकॉर्डिंग ऐसा T20 में 10 मैच खेले के 9 विकेट, A20 में 6 मैच खेले के 7 विकेट निकाले, फिर वैनू पर आ जाए तो 1 मैच खेले के 1 विकेट निकाले, रिसेंट फॉर्म में 2 विकेट, 0 विकेट, फिर यहाँ पर से 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट निकालते हुए देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं एडम जंपा, तो कन्फर्म है कि एडम जंपा को तो टीम में पिक करके ही चलना, क्योंकि भाई ये जो स्पिनर्स बॉलर्स है ना, ये सबसे अलग क्वालिटी का स्पिनर्स बॉलर्स है। कन्फर्म रहेगा 2 विकेट तो कन्फर्म रहेगा, अधिक से अधिक जितना निकाल सकते 3-4 विकेट निकाल सकते। रिसेंट फॉर्म में 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, कंटिन्यू विकेट निकाले, A20 में 14 मैच खेले के टीम इंडिया के सामने 12 विकेट निकाले। तो देखो टीम इंडिया के सामने कन्फर्म है कि ये विकेट निकालते हुए दिखते हैं। जब भी T20 का मुकाबला होता बेंच प्लेयर में कुछ इस प्रकार से बेंच प्लेयर्स रहेगा, इसमें जो भी चेंज होगा, जो भी चेंजेस होगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। अब बात करते हैं प्लेयर्स बैटल का, तो प्लेयर्स बैटल के अकॉर्डिंग आ जाए सबसे पहले मैथ्यू शॉर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो आवेश खान के सामने 6 बॉल खेले करके 12 रन बनाए, 0 बार विकेट पे के। ग्लेन मैक्सवेल के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा के सामने 16 बॉल खेले करके 14 रन बनाए, 0 बार विकेट पे के। रवि बिश्नोई के सामने 20 बॉल खेले करके 37 रन बनाए, 1 बार विकेट पे के। अक्षर पटेल के सामने 44 बॉल खेले करके 50 रन बनाए, 1 बार विकेट पे के। आवेश खान के सामने 23 बॉल खेले करके 47 रन बनाए, साथ में यहां पर से 0 बार विकेट पे के। ट्रेविस हेयर का कोई प्लेयर्स बैटल है, फिर स्मिथ के बारे में जाने तो देखो यहाँ पर से प्रसिद्ध कृष्णा के सामने 10 बॉल खेले करके 17 रन बनाए, 0 बार विकेट पे के। रवि बिश्नोई के सामने 17 बॉल खेले करके 25 रन बनाए, 0 बार विकेट पे के। अक्षर पटेल के सामने 13 बॉल खेले करके 10 रन बनाए, साथ में यहाँ पर से 1 बार विकेट पे के। अब फाइनली देख लेते हैं कि मैंने इस मैच में अपना टीम का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बनाया हूं। तो विकेट कीपर में मैं अपने टीम में मैथ्यू वेट को विकेट कीपर में पिक करके चल रहा हूं। यदि बैटिंग में बात करें तो बैटिंग में यशस्वी जायसवाल, फिर ट्रेविस हेड, ऋतुराज गायकवाड, उसके बाद यशस्वी जायसवाल को मैं अपनी टीम में लिया हूं। ऑलराउंडर्स में ग्लेन मैक्सवेल, फिर यहां पर से एम शॉर्ट्स यानी मैथ्यू शॉर्ट्स को मैं अपनी टीम में लिया हूं। बॉलिंग में सेन अवॉर्ड, अर्शदीप सिंह, नाथन हिल्स, रवि बिश्नोई। कैप्टन तो मैं अपनी टीम का जो कैप्टन बना करके चल रहा हूं यशस्वी जायसवाल को कैप्टन, और वाइस कैप्टन की बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल को वाइस कैप्टन बना करके जा रहा हूं। अब देखो इसमें जो भी चेंज होगा, जो भी चेंजेस होगा, मेरा जो फाइनल टीम बनता है टॉस होने के बाद कहां पर बनता है, टेलीग्राम चैनल पर। वैसे मैं आप लोगों को क्लियर दिए कि पिच रिपोर्ट बता दिया हूं, एक एक प्लेयर्स के बारे में बता दिया हूं कि कौन प्लेयर्स का रिसर्व फॉर्म कैसा है। तो जब भी टीम क्रिएट करना, खुद से टीम क्रिएट करना, खुद से टीम क्रिएट करोगे तो बेहतरीन से बेहतरीन टीम बना सकते हो। तो आ जाओ इस वीडियो के बाद आप लोग से कहां पे मिलता है, डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर ही। और भाई वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मोबाइल में आप तक के जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ सभी।